और जसपुर जिले के नगर पंचायत बगीचा में डोंड की नदी स्थित छठ घाट में निजी कब्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि नगर पंचायत बगीचा के नागरिकों ने उक्त कब्जे के विरुद्ध नगर बंद कर अपना विरोध प्रदर्शित किया है। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि बगीचा के वार्ड क्रमांक 2 स्थित डोंड की नदी पुलिया से लगे छठ घाट के पास पड़त भूमि का कूटर चना पर स्थानीय व्यापारियों के द्वारा निजी कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कर पाई है। अग्रवाल लोग वहाँ पूरा घेर रखे हैं, हम लोग का आपत्ति है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारा छठ घाट हमारा ही होना चाहिए। अग्रवाल लोग क्यों रखेंगे वहाँ पास, वो तो श्रद्धालु का जमीन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारा छठ घाट हमारा ही होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अब उसके संबंध में चूँकि जो कब्जा था छूटा उठा जो सीमेंट के लगे थे तो हमने कल हटा दिया शाम तक, और दूसरा जो भी हमारे नागरिकगण जो आए हुए थे उन्होंने उसके संबंध में एक आवेदन पत्र दिया है, उसमें हम जांच करेंगे। जांच उपरांत जो भी पाया जाता है सही या गलत तो बात की बात है, लेकिन जांच उपरांत ही इसमें हम निर्णय ले सकते हैं। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि हम 45 साल से छठ घाट में अर्घ दे रहे हैं, बर्ती लोग का कहना है तो क्या इनका जमीन था तो 45 साल से ये सो रहे थे, ये नया मुद्दा लेके, इसीलिए हमारे पूरे गाँव एकजुट हुए हैं। आज बगीचा नगर बंद भी है तो एक अच्छा मैसेज भी गया है, और सब लोग जितनी हमारी बहनें आई हैं लगभग ये लोग छठ व्रती ही है, छठ घाट में सब ये छठ अर्घ देने आती हैं। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि शासन हमारे पक्ष में फैसला दे, और अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो भी हम छठ घाट को तो नहीं छोड़ेंगे।